जलती गर्मी, छुपती जलती गर्मी का मौसम आया। बाय बाय कर देना सब, इतना सुंदर सुंदर बहने हैं मेरे। हाय हाय नहीं, बाय बाय, बाय बाय नहीं, हाय हाय। गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे मैगी और कॉर्न मिला है खाने के लिए, तो मैगी खाऊंगी अभी। सुबह की ब्रेकफास्ट मैगी से स्टार्ट होते हुए, और मेरे पास बहुत ही मज़ेदार कॉर्न है। मैं कॉर्न खा रही हूँ, वाओ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इट्स अमेजिंग डिलीशियस, सुपर डिलीशियस। Hey guys, welcome back to the channel. This is Renu here. तो guys, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा के घर, और इतने सारे बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, मेरी मासी के बच्चे हैं, तो हम लोग सब आज बहुत ही तादाद में हम लोग मामा के घर जा रहे हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहना, मज़ा आएगा आज का ब्लॉग भी आप सब। ये है आर्मी, आर्मी लोग। ये है आर्मी लोग, इतना सारा आर्मी है, इतना सारा लोग है यहाँ पर। ऐसे ही दिखाएगा ये ओजम को, देखो अपना छोटा भाई को भूख के जा रहा है। और दोस्तों हम लोग इतना सारे लोग हैं कि हम लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत आज धूप निकल रही है ना, तो बहुत गर्म है, और साथ में बच्चे भी हैं। तो हम लोग ने क्या सोच रहे हैं, यहाँ ऑटो से जाएंगे, लेकिन ऑटो, एक ऑटो पे इतना सारा लोग तो नहीं जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे बैठ बैठ के जाएंगे होंगे। बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, हम लोग बीएन पहुँच गए हैं, और मैंने मेरी आयो के लिए, मेरी मामा जी की वाइफ के लिए दारू लिया है, वो थोड़ा दारू पीती है। तो बाकी लोग वहाँ पे सब धूप में पूरा गर्म के मारे पागल होके चल रहे हैं, बहुत गर्म। ये सुन रहे हैं एवरीवन, जल्दी गर्मी, छुपती जल्दी गर्मी का मौसम आया, छुपती जल्दी गमोड़िया लाया, आया आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। इतनी खड़कती धूप में हम सब पैदल चल रहे हैं, बड़े तो बड़े, बच्चे भी पूरा साथ दे रहे हैं अपना। आज का वेदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बहुत दिनों तक लगातार बारिश देने के बाद आज फाइनली धूप दिया है, तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मेरी बहन को देखिए यहाँ फ़ोन में बातें करते हुए। तो यहाँ से ओके मामा जी के घर जाएंगे, मेरे मामा जी के घर। तो हम लोग ने एंटर कर लिया है बीएन एरिया में, मेरी मामा जी यहाँ पे मेजर की पोस्ट में है। काफी खूबसूरत है, तो हमें आगे बढ़ते जाना है बिल्कुल सीधे। ये रहा बीएन का बहुत ही पुराना मंदिर, मैं बचपन से देखती आई हूँ, यह है शिव मंदिर। शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर बीएन का बहुत ही पुराना है। और ये है डेरा, बीएन का डेरा। आपको मामा का घर में आके कैसा लग रहा है? क्या? मामा का घर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप मोई का वीडियो देखते हैं? मोई का वीडियो देख के आपको कैसा लगता है? मजा लगता है। मजा लगता है, तब तो आप, आपको भी मोई का दोस्त लोग देख रहा होगा, तो मोई का वीडियो को देखने वाला दोस्त को क्या बोलेगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बोलो मोई का चैनल को। होगा, बोल दो अभी। हाँ नहीं, अभी बोलो ना। नहीं, आप लोग मेरा गाइस, मैं मामा के घर पहुंच गई हूँ, और मामा लोग यहाँ पे न्यूली शिफ्ट हुई है यहाँ पर इस जगह में। ये है बीएन एरिया, एक्चुअल में मेरे मामा की पोस्ट यहीं पे, ऐसा है लोकेशन जो दिखाऊंगी अभी। तो इस बीएन कॉलोनी में आके तो मुझे पूरा ये जगह जो गांव गांव जैसा लग रहा है, पूरा गांव वाला फीलिंग्स आ रहा है। देखिए ये जगह को,
सो गाइस, इनमें से एक मेरी भैया की बेटी है, एक मौसी है और बाकी मेरी कजन सिस्टर्स है। तो खाया पिया मामा के घर से निकल रहे हैं। मैं तो मामा से मिलने आए थे लेकिन वो ड्यूटी में है, व्यस्त है, तो वो नहीं आ पाए। इसके बाद आयो से भी मिलना था मुझे, पर आयो भी अनफॉर्चुनेटली कहीं चली गई है, तो मैंने उसके लिए जो दारू लेके आई थी वो रख दिया है घर पे। तो फिर कभी मिल लेंगे, जिंदगी रहे तो फिर कभी मिल लेंगे, आराम से टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। देख लीजिए, ये है बीएन। ऐसा ही देखने में तो थोड़ा गाँव जैसा लग रहा है मुझे। नंगांगा, ये है मेरा गंगा, मेरे भैया की बेटी, आई मीन मेरी बेटी है, ना मेरी बेटी। तो हम लोग रवाना हो रहे हैं घर के, और मतलब हम लोग जा रहे हैं घर के, और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं देखिए, और यहाँ पे बड़े बड़े बच्चिया है, बड़े बड़े बच्चिया, बच्चे नहीं आंटी है क्या, आंटी बोल सकते हैं, होने वाले ही आंटी क्या, ये हम लोग का कोरियन दीदी कौन है, ये हम लोग इंडोशियन 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 ओवर फुल वही तो। और मैं तो हूँ जापानीज, आई एम फ्रॉम जापान। बच्ची को क्या शौक चढ़ा हुआ है, थक गया बोल रहा है। नानी चलो चलो गॉसिप क्वींस, गॉसिप क्वींस, इसलिए बोलता है डाइटिंग करो, क्योंकि ये कहता है ना दीदी जो डाइटिंग जहाँ मिलेगा वहाँ खाते हैं करेगा। सो गाइस, चल चल के रास्ते में जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत पेड़ है, देखिए इसके फूल भी कितनी ज़्यादा सुंदर है। एंड गाइस, ये है आलो का दोनी पोलो मंदिर, और ऊपर जो लिखा है अल्बा आटो का, इट मीन्स अच्छे से आइए बोल रहे हैं हिंदी में, और अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। और ये संडे में खोलता है, यहाँ पे संडे में प्रेयर वगैरह होता है। इसके बाद जितने भी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, सोस होते हैं, फैशन सोस, मोपिन्स, दोनी सी दोनी, जितने भी लोकल के फंक्शंस होते हैं ट्रेडिशनल वे में मनाया जाता है यहाँ पर, और ये संडे में खोलता है। हेलो गाइस, तो मैं घर पर पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, और घर पे पहुंचते ही डायरेक्ट मैं बैठी हूँ पेन के नीचे, और ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद देख रहे वॉल पे, वो मेरी बहन लोग क्या करते हैं जब भी घर पे पार्टी पहले से बर्थडे वगैरह होगा तो वो लोग बैलून को वहाँ पे टांग देते हैं, चिपका देते हैं। तो अभी देखने के लिए कितना बद्दा लग रहा है। एनीवेज, मैं आज मामा के घर मामा से मिलने गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मामा लोग तो घर पे नहीं थे, क्योंकि मामा तो दो तीन बिजी थे, और मेरी मामी जो आयो जो उसको आयो बोलते हैं, आयो जो अब घर पे नहीं थे। तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। और जो आयो के लिए वो खंबा लिया था, खंबा आई मीन उसे दारू, वो मैंने घर पे ही रख दिया है, जब भी आयो आएंगे वो उसको ले लेंगे। तो होप करती हूँ आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी दिन ब दिन मेरे एक एक फैमिली से मिलने का मौका मिल रहा है। तो मिलते हैं मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ, जल्दी ही मिलेंगे। कल परसों 20 को मैं पासीघाट के लिए निकल जाऊंगी, मैं पासीघाट जाऊंगी, और मेरी बहन यहाँ खास खास के मर रही है, पिलो से पूरा मुंह को दाग खास रही है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।